नमस्कार दोस्तों, बताइए कैसे हैं आप। मैं तो आशा करती हूँ कि आप जरूर अच्छे ही होंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल कल्याणी क्रिएशन में और आज इस वीडियो में जीवन दायिनी जल को निरंतर प्रवाहित करने वाली एक नदी के बारे में बताऊंगी, उसकी उद्गम स्थल को दिखाऊंगी और वो नदी है जिसकी सामान लाखों लोगों की जिंदगी आस्था और भक्ति भावना से जुड़ी हुई है और वो नदी है इंद्रावती, माँ इंद्रावती। ये पवित्र नदी के उद्गम स्थल को जाने में और ये वीडियो बनाने में जिसने मेरे साथ दिए हैं वो है मेरी प्यारे मामा जी, मेरी प्यारी दीदी जी और ये हमारी लाडली बेटी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। रामपुर ब्लॉक हेड क्वार्टर से इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल की दूरी है लगभग 17 किलोमीटर। चलिए रामपुर से हमारे यात्रा को शुरू करते हैं दोस्तों। रामपुर से निकलकर कम से कम 30 से 40 मिनट सफर के बाद हमारी गाड़ी अब मर्दीगुड़ा गांव में एंट्री हो रही है। चलिए गांव के नज़ारे को एंजॉय करते हैं। हमारे सामने ओडिशा टूरिज्म बोर्ड है। ओडिशा सरकार के द्वारा मर्दीगुड़ा गांव को एक टूरिस्ट प्लेस की मान्यता मिली हुई है। ये वही तीन आम का पेड़ है जिसकी मौली से इंद्रावती नदी तीन अलग अलग पावन धारा के रूप में सृष्टि होती है। Thank you.
देखिए तीनों आम के पेड़ के नीचे गुफा जैसे जगह उसे इस प्रकार से पतितावा बनी जलधारा निरंतर बहती आ रही है और ये है इंद्रावती नदी का जन्म स्थल, माँ इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल। तीन अलग अलग छोटी सी धारा से सृष्टि हुई ये नदी बाद में विशाल इंद्रावती नदी बन जाती है। माँ इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा राज्य में कलाहांडी जिले अंतर्गत खामू रामपुर डुंगरोला पहाड़ी पर मर्दीगुड़ा गांव में हुआ है। नीचे पाताल से निकलती हुई पानी और ऊपर देखिए तीनों पेड़ों को मानो कि आसमान को छू रही है।
ध्यान से देखिए, मुझे बोलने के लिए कुछ भाषा ही नहीं मिली। बस समझिए, एक माँ की अनोखा प्यार को और माँ इंद्रावती की ममता है। धीरे धीरे सूर्यास्त की समय आ रही थी। मन तो चाहती थी कि और कुछ देर यहाँ पे रुक जाऊं, परंतु हमारी गाड़ी इंद्रावती नदी के किनारे से होकर घर की तरफ बढ़ गई थी। इस प्रकार से इंद्रावती नदी बहुत सारे पहाड़ी इलाका जमीन को चूमते हुए उड़ीसा के कालाहांडी नवरंगपुर जिले से होकर छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश करती है। वहीं पे जगदलपुर बस्तर जिले में गुजरकर गोदावरी नदी में मिलती है। अपनी ये उद्गम स्थल से गोदावरी नदी में मिलने तक इंद्रावती नदी लगभग 835 किमी दूरी सफर करती है।
ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो कृपया मेरी चैनल कल्याणी क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो बनाने में मेरे साथ साथ मेरे टीम का शानदार प्रयास और मेहनत के लिए एक लाइक और कमेंट तो जरूर बनती है दोस्तों। सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। भूलना मत दोस्तों, आपके यूट्यूब पेज को बंद करने से पहले हमारी चैनल की बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और आखिर में एक बात बोलना चाहूँगी दोस्तों, आप भी एक बार आपके परिवार के साथ ये जगह को घूम के आइए, मजा आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय माँ इंद्रावती, जय हिंद, जय भारत।